नमस्कार बच्चों, मेरा नाम विनय महेश्वरी है। मैं बीएवल की तरफ से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपारू में पदस्थ हूँ, जिला शहडोल, और मेरा विषय है यात्रा एवं पर्यटन। तो आज हम कक्षा 11वीं की यूनिट 6 का एक टॉपिक लेंगे। पहला टॉपिक है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की भूमिका, पर्यटन मंत्रालय में भारत सरकार की भूमिका। अब पहले ये देखा जाएगा कि पर्यटन मंत्रालय में भारत सरकार की क्या भूमिका होती है या किसी भी देश की सरकार की क्या भूमिका होती है। तो हम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सन 1963 में रोम में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो उस सम्मेलन में एक सभी सरकारों को, जितने भी देश वहां शामिल हुए थे, उन सरकारों को एक एनटीओ बनाने की ये कहा गया। इसका पूरा फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, या हम ये इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय पर्यटन संगठन। ठीक, सन 1963 में जब रोम में ये सम्मेलन हुआ तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने एक एनटीओ बनाने की ये कहा। एनटीओ के कार्य क्या है, एनटीओ क्यों जरूरी है, ये सब चीजें हम इसमें आगे और देखते जाएंगे। एनटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक कार्यालय जिसको बोल सकते हैं, महानिदेशालय हो सकता है, विभाग हो सकता है, निगम हो सकता है, या एक पूरा एक बोर्ड हो सकता है। जो एक विभाग रहता है उसको हम बोर्ड भी बोल सकते हैं। इसमें आगे चलिए, आगे हम चलते हैं इसमें, तब पता चलता है कि जब ये एनटीओ बनाया गया तो सरकारों ने, या हम इसको पर्यटन मंत्रालय भी बोल सकते हैं, तो सरकारों ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग को कई छोटे छोटे कार्यालयों में या विभागों में विभाजित किया, जिसमें भारत सरकार ने इसमें 20 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए, 14 विदेशी कार्यालय बनाए। और इन कार्यालयों का काम क्या था कि भारत के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना, सभी गतिविधियों का ध्यान रखना, विकास की नीति बनाना कि पर्यटन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, आगे किस तरीके से इसको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर विदेशी पर्यटकों की सहायता करना, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य देखना, उनकी कार्यों की समीक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाना, क्योंकि जब पर्यटक कोई बाहर से विदेशी पर्यटक कोई आएगा तो उसकी सबसे पहली चीज होती है सुरक्षा और विदेशी मुद्रा का विनिमय, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ावा हो, विदेशी पर्यटकों को और हम रिझा सकें। इसके लिए हमें छोटे छोटे पॉइंटों पर भी ध्यान देने की जरूरत रहती है। एनटीओ के कार्य यही हैं। और पर्यटन मंत्रालय, भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके कार्य ये सारी चीजें, ये सब कार्य लिखे हुए हैं मैंने, ये सारे कार्य करना जरूरी है। इस पूरे भारत के अंदर जितना भी पर्यटन है उसका पूरी देखरेख एनटीओ करता है। इस एनटीओ का पूरा एक मंत्रालय होता है, भारत सरकार एक मंत्रालय बनाए रखे है, उसके लिए स्वतंत्र प्रभार का एक मंत्री भी है, सचिव भी रहता है इसमें, जो पूरे कार्य को देखता है। नमस्कार, आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे।